हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सास बहू कुकिंग में लेके आई हूँ 3-in-1 रेसिपीज। आज मैं बनाऊंगी पनीर मठा और साथ ही साथ अमूल बटर। जानिए घर पे मौजूद 6 से 7 दिन की मलाई से कैसे बनाते हैं ये तीनों चीजें। फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं 3-in-1 वीडियो। फ्रेंड्स, इधर मैंने लिए 6 से 7 दिन की खट्टी मलाई, दूध की मलाई जो हर कोई इकट्ठा करता है। फ्रेंड्स, इसे डायरेक्ट फ्रीजर में से निकाल के यूज़ नहीं करना है, पहले इसे रूम टेम्परेचर पर लेके आ जाना है। मैंने 3 से 4 घंटे पहले रूम टेम्परेचर पर लेके आ गई थी। और फ्रेंड्स, मलाई को फ्रीजर में ही रखें ताकि इसमें कोई स्मेल ना आए। 1/4 स्पून डाल दूंगी हल्दी। हल्दी क्यों डाल रही हूँ, अमूल का आपने बटर देखा ही होगा फ्रेंड्स, अमूल का बटर होता है एकदम येलोइश, इसलिए हल्दी से कलर आ जाएगा। साथ में 1/4 स्पून नमक, ये थोड़ा सॉल्टी टेस्ट होता है इसलिए। साथ ही साथ इसमें डाल दूंगी 1 स्पून दही। और फ्रेंड्स, ये है सिर्फ 6 से 7 दिन की मलाई, उसी से आप बना लेंगे 3 रेसिपीज। जानना चाहते हैं कौन सी 3 रेसिपीज होंगी, जानने के लिए मेरा वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अब फ्रेंड्स, इसे तीनों चीज सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हैंड ब्लेंडर से चलाएंगे। हैंड ब्लेंडर से चलाते हुए मक्खन निकालना है। फ्रेंड्स, हैंड ब्लेंडर से चलाते हुए बीच में डाल देंगे थोड़ा ठंडा पानी। फ्रेंड्स, इधर ठंडा पानी ले रही हूँ, ये इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट लेंगे हैंड ब्लेंडर से चलाते हुए। और फ्रेंड्स, हल्दी डाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके टेस्ट में कोई डिफरेंस आएगा, कोई हल्दी का टेस्ट आपको पता भी नहीं चलेगा, पर कलर और टेस्ट अमूल मक्खन जैसा ही आएगा। फ्रेंड्स, गर्मी है इसलिए ठंडा पानी डाल रहे हैं, अगर आप सर्दी में मक्खन निकाल रहे हैं तो थोड़ा गर्म पानी डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने बोला 2 से 3 मिनट लगेंगे, और ये देखिए 2 मिनट में निकल गया। अब फ्रेंड्स, हाथों की सहायता से इसे इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इकट्ठा करने के बाद दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा मक्खन निकाल लिया है। अब फ्रेंड्स, इसे एक बार धो लेंगे ताकि कोई भी तरीके की स्मेल ना रह जाए, इसे अच्छे से धो लेना है। और फ्रेंड्स, फिर अच्छे से पानी से निचोड़ के भी निकाल लेना है, पानी भी नहीं रहना चाहिए, जितना हो सकता उतने अच्छे से पानी निकाल दें। ये फ्रेंड्स, मक्खन धोने के बाद जो एक्स्ट्रा ये पानी बचा है ना, जो इसको फेंकना नहीं है, इसका क्या करना है मैं आपको बाद में बताती हूँ। जैसे मैंने बोला 3-in-1 रेसिपी है, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा इसमें। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं अच्छे से निचोड़ निचोड़ के इसका पानी निकाल रही हूँ, और कुछ टाइम भी नहीं लगा। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं पानी पूरी तरीके से निकाल लिया है, और ये देखिए सिर्फ मक्खन मक्खन रह गया है। और देख सकते हैं, एक मैं बटर पेपर लगा लिया एक बर्तन में। जैसे आपने देखा है, अगर मैं अमूल का बटर बना रही हूँ तो मैंने सोचा पूरी तरीके से उसी शेप में होना चाहिए। ये देखिए, एक बर्तन ले लिया है, उसमें बटर पेपर बिछा दिया है, और उसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। और फ्रेंड्स, इसे फ्रीज में ना 7 से 8 दिन आराम से चला सकते हैं, पर ध्यान रखें पानी अच्छे से निकाल दें। पानी अच्छे से निकाल देंगे तो आपका बटर लंबे समय तक चलेगा। और आप देख सकते हैं, बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स और कलर के बिना बनाया है ये, और कलर आप देख सकते हैं एकदम अमूल बटर वाला आया है ना। और फ्रेंड्स, टेक्सचर भी वही होगा, और टेस्ट घर के बटर का तो लाजवाब होता है। अब इसे फ्रीज में 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये पूरी तरीके से अच्छे से सेट हो जाए। फ्रेंड्स, बटर निकालने के बाद जो मिश्रण बचा था, ये जो देख रहे हैं मैंने बताया था कि आपको बाद में बताऊंगी, अब मैं बताती हूँ इसे क्या बनाऊंगी। इसका मैं बनाऊंगी पनीर। फ्रेंड्स, पनीर का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया है फुल क्रीम मिल्क से कैसे पनीर बनाते हैं, लेकिन आज यूनिक तरीके से। फ्रेंड्स, क्योंकि हल्दी डाली भी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पनीर में कोई टेस्ट में फ़र्क आएगा, कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, पर हाँ, आपका पनीर बहुत अच्छा दिखेगा, येलो कलर का पनीर। अब फ्रेंड्स, लगातार चलाते हुए पहले से बॉईल कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, बॉईल हो चुका है ये। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसे 80% गर्म रहने देना है, 20% इसे ठंडा कर लेना है। आप मेरे पनीर का वीडियो देखेंगे ना, मैंने पनीर कैसे बनाया, उसी तरीके से पूरा प्रोसेस है इसका, वही प्रोसेस रिपीट करना होगा। पर मैंने गैस बंद कर दी है, अब इसे 20% ठंडा कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, 20% ठंडा हो चुका है, जैसे पहले वाले पनीर में किया था, थोड़ा 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 चुटकी भर डालते हुए सिट्रिक एसिड डालेंगे ताकि फट जाए, तब तक डालना है या फटने तक। और फ्रेंड्स, एक साथ नहीं डालना है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है, चुटकी भर कर ही डालना है। डालने के बाद मिक्स करना है, जब फटने की कंसिस्टेंसी में आ जाए तो डालना बंद कर देना है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ सिट्रिक एसिड, ये फट चुका है। अब फ्रेंड्स, इसे 10 मिनट के रख देंगे ताकि पूरी तरीके से फट जाए। जैसे मैंने पहले भी बोला था आपसे, इसमें कुछ पनीर बनने में कुछ फर्क नहीं होगा, बस कलर के अलावा। अब फ्रेंड्स देखिए, पूरी तरह से फट चुका है, आप देख सकते हैं।
पूरी तरह से फट चुका है, अब इसे छान लेंगे। ये फ्रेंड्स देखिए कपड़े के थ्रू छान लिया है, और फ्रेंड्स पानी से फिर से धो लेंगे, अच्छे से धो लेना है। जैसे आपको पता है सिट्रिक एसिड डाला है तो खट्टापन होता है, जैसे पहले वाला पानी धोया था उस तरीके से धो रही हूँ, है ना सेम प्रोसेस और इजी प्रोसेस, और एक ही रेसिपी में हो जाएंगी तीन तीन रेसिपी तैयार। और आप देख सकते हैं पनीर कितना अच्छे खासा निकल आया। और फ्रेंड्स मैं फिर से बता देती हूँ, अच्छे से धो लेना है ताकि पूरी तरह से सिट्रिक एसिड का जो खट्टापन होता है पूरी तरह से निकल जाए। धोने के बाद कपड़े को इस तरीके से बांध के अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पानी दबाते हुए हाथों की सहायता से निचोड़ लेंगे, और आपको जो शेप देनी है पहले वो शेप में ले आएंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने मुझे जिस शेप में लाना था मैंने उस शेप में इसे लेके आ गई हूँ, और इसे इस तरीके से भारी बर्तन से ढककर रख देंगे। मैं इधर चकले से ढककर रख रही हूँ, ये देख सकते हैं। और फ्रेंड्स नीचे थाली इसलिए रख दी अगर एक्स्ट्रा पानी जो भी निकलना होगा वो भी निकल जाएगा और शेप में भी आ जाएगा। अब इसे ढककर इसी तरीके से रख देंगे प्रॉपर शेप आने तक। और फ्रेंड्स ये जो पानी बचा है, आपने मेरा पनीर वाला वीडियो देखा ही होगा पनीर कैसे बनाया था, तो मैंने इसका कैसे इस्तेमाल किया था वो भी आपको पता है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आप चाहें तो इसे सब्जी ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आटा भी लगा सकते हैं, और या चाहें तो इसमें थोड़ा दही डालकर रख सकते हैं 2-3 घंटे के लिए, फिर इसके बाद इसे हो जाएगा मठा तैयार, है ना 3-in-1 रेसिपी। इसमें आपका मक्खन भी तैयार हो गया, साथ ही साथ आपका पनीर और साथ ही साथ मठा। फ्रेंड्स 2 घंटे हो चुके हैं, पनीर और बटर दोनों सेट हो चुके हैं। पहले मैं दिखाती हूँ पनीर। ये देखिए फ्रेंड्स कपड़े में से अभी निकालते हुए दिखाती हूँ आपको। पूरा अच्छे से सेट हो गया ना, कलर को छोड़कर पूरा मार्केट जैसा पनीर है ये। और फ्रेंड्स कलर अगर सब्जी बनाएंगे तभी भी चेंज हो ही जाते हैं वैसे तो। और ये देखिए सॉफ्ट भी है अंदर से, ये देखिए एकदम वो फॉर्म जैसा फीलिंग जो होती ना पनीर में, बिल्कुल वही फीलिंग आएगी आपको। और किससे बना है आपको पता है, मैं आपको पीसेस काट के दिखाती हूँ इसके। ये देखिए कट रहे ना आराम से पीसेस, जैसे बाजार वाले पनीर के कटते हैं। और फ्रेंड्स पर टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, अंदर से दिखे पूरा करीब से दिखाती हूँ, एकदम फॉर्म जैसा है, सॉफ्ट है, कलर के अलावा बाकी सब वैसा ही है, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। टेस्ट हल्दी डालने से इसे टेस्ट में कोई फर्क नहीं आया है। ये देखिए फ्रेंड्स 2 घंटे में हो गया पूरा सेट। और फ्रेंड्स किससे बना आपको पता है, घर की बच्ची मिलाई से, वो भी 6 से 7 दिन की मिलाई। और फिर देखिए आप कितना सारा बटर बना लिया, वैसे 1/2 kg से करीब होगा, जो मुँह का बटर आती है ना बड़ी वाली डीली उतना ही करीब होगा। आप देख सकते हैं इसका साइज, और फ्रेंड्स बटर पेपर लगाने का फायदा देखा, आसानी से निकल गया। अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ इसको। अब फ्रेंड्स मैं आपको काट के दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स कट गया ना आराम से। और ये देखिए फ्रेंड्स का टेक्सचर भी वही है मक्खन वाला, अमूल के मक्खन वाला, और टेस्ट भी वही है, कलर भी आप देख सकते हैं वही के वही है। ये फ्रेंड्स देखिए हमारा अमूल बटर घर पे वो भी बची हुई मलाई से तैयार हो गया, और साथ ही साथ पनीर एक्स्ट्रा डिश साथ ही साथ में तैयार हो गई। जो पानी निकलता है ना बटर निकालते समय उसी से पनीर तैयार हो गया, और बाकी जो पानी बचा था उसका क्या किया आपको पता ही है, उसका मठा बना दिया है। 4 से 5 घंटे लगेंगे पूरा जमने में, इसलिए मैंने अभी दिखाया नहीं है। आप देख सकते हैं मठा भी तैयार हो जाएगा। वैसे आप उसे और चीज़ों में इस्तेमाल ले सकते हैं, मैं अक्सर से आटा लगाने में या सब्जी बनाने में भी इस्तेमाल में ले लेती हूँ।